नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी मिथिला और मैं हूं मोहन चंद्रवंशी। ग्राम पंचायत राज बेला पोहद्दी से ग्राम कचहरी से सरपंच पद के उम्मीदवार रीमा कुमारी और उनके निवेदक हैं महानंद कुमार देव। वे एक हस्ती है बेला पोहद्दी पंचायत में, एक ईमानदार छवि वाले हैं और वो सरपंच के चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर कैसे न्याय दिलाएंगे अपने पंचायत के लोगों को और क्या कुछ इनके मन में है, उन्हीं से जानते हैं। महानंद कुमार जो निवेदक हैं उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम महानंद कुमार देव है। उम्मीदवार किस पद से हैं? उम्मीदवारी हमारी पत्नी है श्रीमती रीमा कुमारी, पोहद्दी पंचायत के सरपंच पद से चुनाव लड़ रही है। चुनाव में आप उतरे हैं, आपकी पत्नी उतरी है, तो क्या न्याय के लिए क्या एजेंडा है, कैसे आप अपने पंचायत के लोगों को न्याय दिला पाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत के सभी मतदातागण, मतदाता मालिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो अभी उत्साहित हैं और उत्साह होकर हमें जो दिखा रहे हैं और आपका दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मतदाता मालिक को बताना चाहता हूं कि मैं न्याय के साथ, जो इस बार गवर्नमेंट का पंचायती राज व्यवस्था का जो एक विकास का भी काम आ रहा है तो वो काम मैं करूंगा। और इससे पहले भी मैं पिछले जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसके माध्यम से भी हमने लोगों को बताया था कि न्याय के साथ विकास भी होगा अगर पंचायती राज व्यवस्था में इस तरह की बात हुई तो। आपका पंचायत विवादास्पद पंचायत रहा है और यहाँ कई मामले ऐसे देखने को मिला है जैसे राहजनी और कई तरह के मुद्दे हैं, जो उस पर आप क्या करेंगे अगर आपकी जीत हो जाती है तो? देखिए, पंचायत तो मेरा पहले बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे भाईचारा थी, लोगों में आत्मविश्वास था, लोगों में वैमनस्यता बिल्कुल नहीं था। लेकिन जो निवर्तमान जो जनप्रतिनिधि पिछले चुनाव में आए वो पंचायत को इस कदर कर दिए, सबसे पहले तो भाईचारा को खत्म कर दिया उन्होंने, विकास का तो कहीं नामो निशान नहीं रहा, लोगों का अमन चैन छीन लिया। चूंकि उनका जो अपना प्रवृत्ति रहा वो सिर्फ दर्शाने का काम किया, लोगों को कहीं से कोई न तो विकास हुआ और न न्याय हुआ। अभी जो वर्तमान निवर्तमान सरपंच महोदय हैं उनके भी द्वारा किसी को न्याय नहीं मिला, लोग न्याय के लिए तरसते रहे और वो भ्रष्टाचार के तरफ बढ़ते रहे। ये पद बिल्कुल भ्रष्टाचार से दूर है, चूंकि हमारे देश में, मैं पिछले में भी हमने बताया, एक आए थे हमारे साथी पत्रकार, उनका भी इसी तरह का प्रश्न था कि भाई ये आप जो सरपंच पद से चुनाव लड़ रहे हैं तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैंने कहा कि यह देश जो है यहाँ पे तीन सेक्टर है और इस तीनों सेक्टर जो कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है, ये तीनों सेक्टर हमारे देश को सही रूप से चला रहे हैं, जिसमें सुप्रीमो न्यायपालिका होता है और उसके तहत जो है सो ये सरपंच का पद है, ये भ्रष्टाचार से बिल्कुल दूर का पद है। लेकिन इन्होंने वंशावली का पैसा, मोहर लगवाने का पैसा, हस्ताक्षर करवाने का पैसा, आचरण प्रमाण पत्र बनवाने का पैसा, ये तमाम तरह का भ्रष्टाचार किए जो लोगों में असंतोष हो गया है, अराजकता हो गया है, लोगों को लगा है कि हमको कहीं से विकास और न्याय मिल रहा है। आपकी पत्नी की जीत होती है, छोटे छोटे मामले को कैसे निपटारा करेंगे आप अपने पंचायत में? क्या सभी मामले को ग्राम कचहरी में रजिस्टर करेंगे या फिर कुछ मामले को आप ऑन स्पॉट भी करेंगे? देखिए, ये पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो भी एक्ट मुझे मिलेगा, मैं शालीनता पूर्वक जो एक सरपंच के पद का जो एक गरिमा है उसको देखते हुए हर न्याय को चाहेंगे कि हम समाज के बीच बैठ के और उसको समझाने का काम करेंगे। अगर हमारे कार्य क्षेत्र से जो ऊपर होगा वो मैं अपने हैंड में नहीं रखूंगा। अगर आपको न्याय दिलाने में बाधा उत्पन्न होती है तो उस बाधा को कैसे दूर करेंगे? देखिए, ये अब सबसे पहले तो पंचायती राज व्यवस्था जो कायम हुआ है, मैं एक बार पुनीत आत्मा महात्मा गांधी जी को नमन करना चाहता हूँ कि उनका जो सोच है वो मैं इस पंचायत में लागू करवाऊंगा और लोगों का जो विकास है, जो लोगों का जो न्याय है वो भरसक दिलाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो पंचायत में जो अच्छे अच्छे लोग हैं
आज मान के चलिए हम सभी से मिलते जुलते हैं, तो जो सोच वाले लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका एक टीम होगा, वो सभी समुदाय से होगा, वो हिंदू से होगा, वो मुसलमान से होगा, वो हर समुदाय से लोग होंगे, और सभी लोगों को सम्मान देते हुए आपस में बिठा के उस मामला को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन बाधा उत्पन्न को कैसे दूर करेंगे? बाधा तो आज आपके पंचायत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको न्याय दिलाने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, तो कैसे दिलाएंगे बाधा? बाधा देना उनका काम है, आप कैसे निपटारा करेंगे? और उसको हम इस कदर निपटाएंगे कि चूंकि यहाँ का जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अगर एक फ्रंट पे आ जाते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे बाधा उत्पन्न करने वालों का अगर हम लोग एक फ्रंट पर चले आते हैं तमाम बुद्धिजीवी, तो वो आदमी को इस गांव से भागने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। वो हमारा कोई भी काम बिगाड़ नहीं सकता है। हमारे मतदाता मालिक का जो न्याय की बात है, वो किसी भी हक हकूक की बात होगी, वो छीन नहीं सकता है। जनता के नाम से अपील क्या करेंगे? जनता के नाम से अपील मैं करना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो उत्साहित होके हमें सम्मान दे रहे हैं, हमको बार बार आगाह कर रहे हैं कि सरपंच साहब, आप जो है सो दूसरे प्रत्याशी के तरह नहीं हैं, आप वोट मांगने के लिए घर घर आते हैं, ये आपकी महानता है। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस बार भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, वो मतदाता मालिक हमको संदेश दे रहे हैं। ये थे सरपंच उम्मीदवार रीमा कुमारी के निवेदक महानंद कुमार देव, जो भ्रष्टाचार मुक्त न्याय दिलाने का मतदाताओं से वादा कर रहे हैं। अगर कोई भी बाधा उत्पन्न होगा तो मिल बांट करके ये उस बाधा को दूर करेंगे और अपने पंचायत के लोगों को न्याय दिलाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। CTV घनश्यामपुर दरभंगा। मिथिलांचल में मोटरसाइकिल एवं स्कूटी की दुनिया में धमाल। विगत 10 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर विक्की TVS मोटरसाइकिल भटियारी सराय दुनार दरभंगा एवं हायाघाट। India's first and only pure platform FI technology from TVS. Eco Thrust FI, an ATFI. जो दे 15% ज़्यादा माइलेज। Race tuned FI, an RTFI. जो दे better real throttle feel. हम बनाएं जो आपका दिल चाहे। आप क्या सोच रहे हैं, जल्द आए जल्द पाए अपना पसंदीदा वाहन। विक्की TVS दरभंगा के द्वारा विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। प्रत्येक वाहन के खरीद पर सुनिश्चित उपहार, कुशल इंजीनियरों के द्वारा सर्विस की उत्तम व्यवस्था, पहले से बेहतर 15% ज्यादा माइलेज के साथ, लोन पर भी 1 घंटे में गाड़ी उपलब्ध। आए हाथों हाथ अपने पसंदीदा वाहन को अपने घर ले जाएं। ग्राहकों की सुविधा हेतु हमारा पता है विक्की TVS भटियारी सराय दरभंगा। किसान ऑटो केयर दोनार चौक दरभंगा पेट्रोल पंप के सामने। हमारे यहाँ हीरो, बजाज, होंडा, TVS गाड़ी का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है और ओरिजिनल पार्ट्स भी मिलता है। विशेषकर स्कूटी गाड़ी के लिए स्पेशल कारीगर उपलब्ध है। हमारे यहाँ सभी दो पहिया वाहनों का ओरिजिनल पार्ट्स मिलता है। यहाँ सभी गाड़ी का काम शौक कुशल कारीगर द्वारा मरम्मत किया जाता है। खास करके स्कूटी गाड़ी की विशेष कारीगर द्वारा मरम्मत की जाती है।